हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आइए हम अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 10.2, क्वेश्चन नंबर 13। स्टेटमेंट देखिए क्या गिवन है। प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सब्सटेंड्स सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। सबसे पहले देखिए सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। जिन दो एंगल का अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ये हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसके अंदर कोई भी सर्कल है जो इस क्वाड्रिलेटरल को टच कर रहा है। हमें बताना है कि इस सर्कल के अंदर जो अपोजिट साइड्स बनेगी क्वाड्रिलेटरल की उनका जो सम है वो हमारे पास क्यों हो जाएगा सप्लीमेंट्री। ठीक है, सबसे पहले हम इसको नेमिंग कर देते हैं। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, इसको नेमिंग कर देते हैं ए बी सी सी एंड डी। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसको सर्कल चार पॉइंट पर हमारे पास टच कर रहा है। एक यहाँ पे टच कर रहा है, एक यहाँ पे टच कर रहा है, एक ऊपर की तरफ भी सर्कल इसको टच कर रहा है और एक यहाँ पे सर्कल इसको टच कर रहा है। ठीक है, इन चार पॉइंट को हम नाम नेमिंग कर देते हैं पी क्यू आर एंड एस। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, सर्कल का सेंटर जिसको हम नाम दे देते हैं ओ। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम गिवन लिखते हैं। हमारे पास गिवन क्या है क्वेश्चन में, ए बी सी डी हमारे पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। तो हमारे पास क्या गिवन है, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब देखिए हम इस प्रूफ करने के लिए सबसे पहले कुछ अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये हमारे पास ओ सेंटर है, इस सेंटर को जहां से इस क्वाड्रिलेटर को ये सर्कल टच कर रहा है इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। ओपी को ज्वाइन कर देंगे, ओ क्यू को, ओ आर को एंड ओ एस को। ठीक है, देखिए इसको हम सबको ज्वाइन कर देते हैं आपस में। ठीक है, देखिए और इस ओ सेंटर से इस ए पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ऐसी ओ से बी पॉइंट पर, ओ से सी पॉइंट पर और ओ से डी पॉइंट पर। ठीक है, देखिए ऐसे हम इसको लाइन अपोजिट्स, आप ये भी बोल सकते हैं कि अपोजिट्स पॉइंट को हम अटैच कर देते हैं। ठीक है, देखिए इसको यहाँ से ज्वाइन किया, इसको यहाँ से। ठीक है, अब देखिए हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया अपनी तरफ से, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, ओ को ज्वाइन किया है पी पॉइंट से, ओ को बी पॉइंट से, ओ को क्यू पॉइंट से, सी पॉइंट से, आर पॉइंट से, डी पॉइंट से, एस पॉइंट से और ए पॉइंट से, सबको हमने क्या किया है ज्वाइन किया है। तो कंस्ट्रक्शन में हम ये लिखेंगे ज्वाइन, हमने ज्वाइन किया है ओ ए को, ओ पी को, ओ बी को, ओ क्यू को, ओ क्यू, ओ सी, ओ आर, ओ डी, ओ एस। ठीक है, हमने इन सबको ज्वाइन किया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, जो अपोजिट साइड्स हैं वो हमारे पास क्या है सप्लीमेंट्री। हमें ये प्रूफ करना है, दैट मीन्स जो ये वाला एंगल है और जो ये वाला एंगल है इन दोनों का जो सम है वो हमारे पास क्या है 180 डिग्री। हमें यही प्रूफ करना है कि जो सर्कल के अंदर एंगल सब्सटेंड हुए हैं अपोजिट एंगल वो क्या है सप्लीमेंट्री। दैट मीन्स जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है ये दोनों क्यों होने चाहिए 180 डिग्री, और ये वाला एंगल और ये नीचे वाला एंगल भी दोनों 180 डिग्री। ठीक है, प्रूफ क्या करना हमें, एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी, बी ओ सी किसके इक्वल 180 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री का मतलब ही होता है कि एंगल 180 डिग्री है। सिमिलरली ए ओ बी प्लस सी ओ डी 180 डिग्री, ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। अब देखिए हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले आप ये बात देखिए, ये हमारे पास कोई भी सर्कल है, ये कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट है। अगर एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उन दोनों टेंजेंट की लेंथ हमारे पास क्या होती है इक्वल होती है, और ये हमारे पास क्या होता है सर्कल का रेडियस, ये भी रेडियस। अब देखिए
जब ये टेंजेंट सर्कल के रेडियस के साथ एंगल फॉर्म करती है, हमने थ्योरम 10.2 में पढ़ा था, वो क्या होता है 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल हमारे पास क्या है, इक्वल है। ये लाइन दोनों एंगल के बीच में क्या है, कॉमन है। तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से जो ये वाला एंगल है ये किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, देखिए वी नो दैट टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, इनकी लेंथ हमारे पास क्या होती है, इक्वल, और एंगल भी हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं सेंटर के ऊपर। एंड हैविंग इक्वल एंगल फॉर्म्ड एट सेंटर। ठीक है, सेंटर के ऊपर एंगल हमारे पास इक्वल होते हैं। सबसे पहले अब हम नेमिंग कर देते हैं। देखिए इस एंगल को हम क्या नाम दे देते हैं, एंगल वन। आप अपनी मर्जी से कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं। ये हमने मान लिया एंगल वन, तो ये वाला एंगल टू, ये एंगल थ्री, ये वाला एंगल फोर, फाइव, ये सिक्स, ये सेवन और ये एट। ठीक है, हमने इसको नेमिंग कर दिया। अब देखिए ये सी एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट है, दो टेंजेंट, तो ये इक्वल एंगल सब्सटेंड करेगी। दैट मीन्स जो एंगल टू है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल थ्री के इक्वल। देखिए आपको जस्ट ये देखना है, ये देखिए सी हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट से ये दो सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ की, तो ये दोनों सेंटर के ऊपर इक्वल एंगल फॉर्म करेंगी। ठीक है, तो एंगल टू हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल थ्री के इक्वल। देखिए जो एंगल टू है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल थ्री के इक्वल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री। अब देखिए यहाँ पे भी एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ कीगी, तो दोनों हमारे पास क्यों हो जाएगी, सेंटर के ऊपर इक्वल एंगल फॉर्म करेंगी। तो एंगल फोर किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल फाइव, एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल फाइव। अब यहाँ से ए पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कीगी, तो एंगल सिक्स हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सेवन, और एंगल एट हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल वन, एंगल एट इज इक्वल टू एंगल वन। अब देखिए ये सेंटर के ऊपर पूरा एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री को होता है। ठीक है, देखिए वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स एट पॉइंट ओ दैट इज एट सेंटर कितना होता है, सम टोटल सम हमारे पास क्या होता है, 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री। तो 360 किससे मिलकर बनेगा, एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सभी एंगल से मिलके हमारे पास 360 डिग्री बनेगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब देखिए जो एंगल 2 है वो किसके इक्वल है, एंगल थ्री के इक्वल। तो एंगल थ्री की जगह हम एंगल टू लिख सकते हैं। देखिए एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री की जगह हम एंगल टू लिख सकते हैं, एंगल टू प्लस। अब एंगल फोर किसके इक्वल है, एंगल फाइव के इक्वल। तो एंगल फोर की जगह हम एंगल फाइव लिख सकते हैं, एंगल फाइव प्लस एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स। अब एंगल सेवन हमारे पास किसके इक्वल है, एंगल सिक्स के इक्वल। तो हम यहाँ पे एंगल सेवन की जगह एंगल सिक्स लिख सकते हैं प्लस। एंगल एट किसके इक्वल है, एंगल वन के इक्वल। तो यहाँ पे एंगल वन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब देखिए एंगल टू प्लस एंगल टू, टू एंगल टू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू एंगल टू। एंगल वन प्लस एंगल वन, दो मिलके टू एंगल वन, टू एंगल वन प्लस। एंगल फाइव प्लस एंगल फाइव, टू एंगल फाइव। एंगल सिक्स प्लस एंगल सिक्स, टू एंगल सिक्स। किसके इक्वल है, 360 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इन सब में से टू कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स इज इक्वल टू
360 डिग्री, टू उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एंगल वन एंगल टू प्लस एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि 360 को 2 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए एंगल एंगल 2 प्लस, अब यहाँ से देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलके हमारे पास ये पूरा एंगल फॉर्म हो रहा है, और ये पूरा एंगल क्या है, सी ओ डी। यहाँ से देखिए एंगल 1 और एंगल 2 मिलके ये पूरा एंगल फॉर्म कर रहे हैं, और ये एंगल कौन सा है, सी ओ डी, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह हम लिख सकते हैं एंगल सी ओ डी प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। अब देखिए एंगल 5 और एंगल 6 मिलके क्या फॉर्म कर रहा है, ए ओ बी, पूरा एंगल ये वाला फॉर्म हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 5 प्लस एंगल 6 की जगह एंगल ए ओ बी किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री। हमें यही प्रूफ करना था कि एंगल सी ओ डी प्लस ए ओ बी किसके इक्वल है, 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल 4 प्लस एंगल 3 एंगल 7 प्लस एंगल 8 किसके इक्वल हो जाएगा, ए ओ बी प्लस सी ओ डी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिमिलरली एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री, और यही हमें प्रूफ करना था, तो हम क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपकी ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और निहान क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।